तो चलिए फिर से देखते हैं एक ज़बरदस्त सवाल, यहाँ पे ध्यान देंगे। इसको हमको सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्सपोनेंशियल है क्वेश्चन, एक्स के ऊपर एक्स है मतलब एक्सपोनेंट है, एक्स एक्स बेस है और एक्सपोनेंट भी एक्स है, मतलब यहाँ पे हमको एक्सपोनेंशियल पावर दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको एक चीज़ यहाँ पर करना है, हमारा टारगेट क्या है, यहाँ पर बेस और पावर सेम है राइट, तो राइट साइड में भी हमको कुछ ना कुछ करके एडजस्टमेंट करके बेस और पावर सेम करना है, तभी तो हम इक्वेट कर पाएंगे, तो डायरेक्टली एक्स मिलेगा। तो कैसे करेंगे सर ये तो बताओ। तो यहाँ पे क्या है, वन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे फोर्थ रूट ऑफ टू है, तो वन का फोर्थ रूट तो वन ही होता है बराबर, वो तो एज इट इज, इसलिए वन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वन का कौन सा भी रूट ले सकते हो, वन ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो और एक चीज़ यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ, ये जो दोनों का फोर्थ रूट है ना, तो दोनों को मैं एक ही फोर्थ रूट के अंदर लिख सकता हूँ बराबर। अच्छा उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये जो आपको एक बात पता होगी, ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की मैंने, यहाँ पर अगर यंथ रूट है ए और यहाँ पे भी अगर यंथ रूट है बी का, तो दोनों को मैं एक ही रूट के अंदर लिख सकता हूँ, ये प्रॉपर्टी यूज़ की है यहाँ पर। ठीक है सर। अब और एक प्रॉपर्टी है, अगर यंथ रूट है तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ब्रैकेट रेस टू वन बाय एन, ब्रैकेट मतलब यंथ रूट मतलब रेस टू वन बाय एन होता है। तो सिमिलरली इसको मैं कैसे लिखूंगा फिर, वन बाय टू, यहाँ पे फोर्थ रूट है तो फोर्थ रूट में वन बाय फोर रेस टू करके भी लिख सकता हूँ। अच्छा सर समझ आ गया, आगे बढ़ो। तो वहाँ से आगे मैं क्या करूंगा, ये अंदर का जो 1 बाय टू है उसको मैं क्या करता हूं, ये 1 बाय फोर एज इट इज, इसको मैं क्या करता हूं, 1 बाय फोर इंटू फोर करता हूं, और ये बाहर का फोर तो एज इट इज मैंने लिखा है, बाहर का वन बाय फोर एज इट इज, अंदर क्या किया मैंने, डिवाइड और मल्टीप्लाई किया पावर को, बस कर सकते हैं, वही रूट लिया और वही पावर लिया, फोर फोर कट, कुछ फर्क नहीं पड़ता है बराबर। हाँ वो तो कर सकते हैं सर, नो प्रॉब्लम। अब या फिर हम ऐसे भी लिखते हैं, पहले मल्टीप्लाई फिर डिवाइड, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है अब मैं ये कर सकता हूँ क्या, ऐसे 1 बाय टू रेस टू फोर जो है यहां पर रखता हूं और ये 1 बाय फोर ऊपर लेके जाता हूं, कर सकते हो सर, कैसे कर सकते हो, क्योंकि हमको एक चीज पता है सर, a रेस टू m रेस टू n होता है, तो वो दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। अच्छा कर दिया, फिर ये जो फोर है दोनों को मिलेगा, वन रेस टू फोर और टू रेस टू फोर, और वन इंटू वन वन, फोर इंटू फोर सिक्सटीन। अब हमको एक चीज पता चल गई, वन रेस टू फोर तो वन ही होता है सर, और टू रेस टू फोर सिक्सटीन होता है सर। देखिए बेस और पावर सेम हो गया, लेकिन हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या था, एक्स रेस टू एक्स था, और राइट हैंड साइड क्या आया है, वन बाय सिक्सटीन, वन अपॉन सिक्सटीन रेस टू वन अपॉन सिक्सटीन। लेफ्ट हैंड साइड में बेस पावर इक्वल है और राइट हैंड साइड में बेस और एक्सपोनेंट इक्वल है, इसका मतलब बेस इक्वल टू बेस या एक्सपोनेंट इक्वल टू एक्सपोनेंट कर सकते हैं। तो दैट इंप्लाइज देयरफॉर
एक्स इज इक्वल टू आप डायरेक्टली लिख सकते हो 1/16। क्लियर? आई होप सबको क्लियर हो गया है मैंने कैसे एडजस्ट करके, मैंने पहले ही बोला था बेस और एक्सपोनेंट में सेम करने वाला हूँ क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में बेस और एक्सपोनेंट सेम है, तो डायरेक्टली इक्वेट करके एक्स मिलने वाला था, मैंने पहले ही बोला था। आई होप सबको समझ में आ गया है। कोई भी फिर भी डाउट हो कमेंट सेक्शन यूज़ करने का और चैनल के साथ जुड़े रहने का। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।